हाँ तो कुछ दिन पहले मैंने सॉरी ड्राइंग ना, तू पहले चला ले। क्या हुआ चला? सॉरी बॉय। हाँ तो कुछ दिन पहले मैंने ड्राइंग कार्टून 2 ऐप में खुद का कैरेक्टर ऐड करना बताया था। अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो वहाँ मैंने बॉन के थ्रू कैरेक्टर को ऐड करना सिखाया था। हालांकि उस वीडियो में मैंने सिर्फ बेसिक डिटेल्स ही बताया हुआ था, लेकिन आज मैं बॉन अटैच करने का फुल एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ और लास्ट में ड्राइंग कार्टून की दो सबसे बड़े सीक्रेट फीचर के बारे में भी बताने वाला हूँ। तो चलिए प्यारा सा वीडियो शुरू करते हैं। हाँ तो ऑलरेडी मैंने कैरेक्टर के सारे बॉडी पार्ट को ऐड कर दिया है। अगर तुमको कैरेक्टर को ऐड करना नहीं आता है तो अपन तुमको लास्ट में उसका वीडियो का लिंक दे देगा, ओके? तो जैसा कि आप जानते हो कि सबसे पहले बॉड में कैरेक्टर का धड़ ऐड किया जाता है, तो पहले मैं इसमें धड़ ऐड कर दे रहा हूँ। अब वीडियो को ध्यान से देखना। सबसे पहले इस बॉन में एक और बॉन ऐड कर देना है, इसके बाद बीच वाले बॉन में दो बॉन ऐड करना है, एक लेफ्ट और दूसरा राइट साइड में। इसके बाद ऊपर वाले बॉन में इसका सर लगा देना है। इका लगावे से पहले तुमका एक बात पता होना चाहिए, ये हड्डिया को हमेशा बॉडी पार्ट के थोड़ा अंदर ही रखना है, ओके? इसके बाद ऊपर वाली बॉन में दो दो बॉन ऐड कर देनी है और इनको मास्टर पॉइंट बना देना है। लेकिन सिकंदर, इन पॉइंट को मास्टर क्यों बना रहे हो? देखो, जिस पॉइंट को मास्टर बनाते हो और जब उसका एनिमेशन करोगे तो उस पॉइंट में बाहर से किसी भी सब्जेक्ट को अटैच कर सकते हो, फॉर एग्जांपल आँख, मुंह, मतलब कुछ भी। चलिए अब नीचे वाले पॉइंट में भी दो बॉन ऐड करेंगे और इन दोनों पॉइंट को भी बॉडी के अंदर रख देंगे। अब इन दोनों में कैरेक्टर का पैर अटैच करेंगे और इनको ऊपर वाले धड़ से नीचे छुपा देंगे। अब ध्यान से देखिए, इस पॉइंट को थोड़ा ऊपर ले जाना है, उसके बाद इनमें एक और बॉन अटैच कर देनी है। अब इसके बाद दूसरा पैर का हिस्सा अटैच करेंगे और ठीक उसी तरह एडजस्ट कर देंगे और लास्ट में पैर का पंजा अटैच कर देंगे। सिंपल, ठीक है। इसी तरह दूसरे पैर को भी अटैच कर देना है। चलिए अब ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। अब इस वाली पॉइंट में इसका हाथ अटैच कर देना है और दूसरी बॉन ऐड करके ठीक उसी तरह इसके हाथ वाले पार्ट को ऐड करके एडजस्ट कर देना है। ठीक इसी तरह दूसरे हाथ को भी एडजस्ट कर देंगे। और फाइनली कैरेक्टर कंप्लीट हो चुकी है। छोटे, तेरे को यही लगा ना? छोटे, अपुन का बॉस साला बहुत कड़ूस है, सब कुछ एक बार में नहीं बताता। डेनवर, वहाँ खोपचे में क्या ज्ञान दे रहे हो? कुछ नहीं बॉस, अपुन तो आपकी तारीफों का पुल बांध रहा था। सो बॉडी के सारे पार्ट अटैच कर लेने के बाद अब बारी आती है इसके दो सबसे बड़े सीक्रेट सेटिंग की। पहला सीक्रेट सेटिंग है इनविजिबल का। इनविजिबल? ये का हुआ था? इनविजिबल मतलब अदृश्य। जिस जगह पर बॉडी पार्ट का ज्वाइंट है उस पॉइंट को इनविजिबल कर देना है, मतलब उस पॉइंट को गायब कर देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ से हाथ का ज्वाइंट है तो इस पॉइंट को इनविजिबल कर देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर भी ज्वाइंट है तो इसको भी इनविजिबल कर देना है। ठीक इसी तरह जहाँ पर भी ज्वाइंट होगा उस पॉइंट को इनविजिबल कर देना है। इसे करने से ये होगा कि तुम जब भी कैरेक्टर में एनिमेशन करोगे तो बॉडी का पार्ट अलग अलग नहीं होगा,
सब एक साथ आपस में जुड़े रहेंगे और तुम बिना प्रॉब्लम के एनिमेशन कर पाओगे। और दूसरा लास्ट सीक्रेट सेटिंग है अप डाउन। कैरेक्टर के राइट साइड वाली हाथ और पैर को धड़ के पीछे कर देंगे और उसके लेफ्ट साइड वाले हाथ और पैर को धड़ के ऊपर कर देंगे और इसके मुंडी को भी। इसके बाद इसे सेव कर देना है। बॉस आपने तो एकदम कड़क इन्फॉर्मेशन दे दिया, बोले तो झक्कास। सो आपको इन्फॉर्मेशन पहले से पता थी या नहीं, यस और नो कमेंट करें। और अभी तक तुमने इसमें खुद का कैरेक्टर ऐड करने वाली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन वाली वीडियो देख लो। तब बहुत जल्द भूतों की दुनिया का फुल ट्यूटोरियल आ रहल बा, तब तक अपन प्यार ऐसे ही बनाई रखें। छोटे अगर तुमको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ही मत करना, बल्कि दूसरों से भी करवाना। मैंने की है मेहनत, जो देखा मैंने पा लिया, YouTube के थ्रू नया परिवार।